बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास सेवन, दिस इज योर मैथमेटिक्स लेक्चर। टुडे एज यू एंजॉयिंग योर होम हॉलिडे होम समर वेकेशन, ब्रेक आउट द शेड्स, इट्स टाइम फॉर सम रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। यू डिजर्व इट बिकॉज देर इज हॉट समर डेज, देर वर हॉट समर डेज इन प्रीवियस डेज। Have a wonderful summer holiday. And some boys just floating by to wish you endless days of sun and fun with the people who make life brighter. Enjoy your summer holidays with water. Today is the explanation for holiday homework from page number 1 to 6. Now starting our explanation, open the page 1, page number 1. There is simplification, some simple simplification of algebra. As you know, there is only one round bracket, and first you have to open the round bracket and arrange the expression according to the ascending order. पहले स्क्वेयर वाली वैल्यूज को हम लिख लेंगे, उसके बाद 4c आ जाएगा, फिर हम ये 2c वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में थी इसको प्लस माइनस के साथ ओपन कर देंगे, उसको लिख देंगे, एंड आफ्टर दिस वी हैव टू राइट एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन ओनली कॉन्स्टेंट्स +3 एंड -2, एंड देन यू वी हैव टू सॉल्व इट। सेम साइन है, 3c² डिफरेंट साइन आ गए, बड़ी वैल्यू वाला साइन आ गया, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2c+1 आ गया। ओके, दिस इज इजी। देन मल्टीप्लीकेशन आ गई, आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस वाली ब्रैकेट्स हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस इज मल्टीप्लाइंग विद माइनस, देन प्लस, 10 इज मल्टीप्लाइंग विद 7, 10 7 70, एंड ए एंड एस टू डिफरेंट वेरिएबल्स, सो यू हैव टू राइट बोथ ऑफ द वेरिएबल्स in the answer. Number 3, 6g is multiplying with 5g minus 1. You have to multiply 6g with 5g. G and g square, 6 and 5 30. So 6g is again multiplying with minus 1. There will be -6g. Both of the variables are different. This is square and this is single. So this is the answer. In number 4 question, -2h is multiplying with the bracket. Minus को जब हम minus से multiply करते हैं तो plus हो जाता है, 6h square हो जाएगा. Then again plus हो जाएगा, 2 4 8h square and h. Again two different variables, so this is the answer. And in this page, two brackets are involving here. टू ब्रैकेट्स हैं और उनके बाहर एक एक एक्सप्रेशन भी उन्होंने दिया हुआ है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 by 1 विद द होल ब्रैकेट। फर्स्ट 5f इज मल्टीप्लाइंग विद f, 5f स्क्वायर हो गया, देन 15f माइनस 4 5 20f, देन माइनस 4f स्क्वायर। नाउ यू हैव टू अरेंज इट, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वैसे भी जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस +5 था, -5 हो गया, ठीक है, -5 मतलब -4 इज मल्टीप्लाइंग विद 5, देन माइनस में आंसर। अब यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4f स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यू हैव टू अरेंज इट, अरेंज करने के बाद आपका आंसर आ गया 9f स्क्वायर -5f। ओके, देयर इज टू ब्रैकेट्स, टू राउंड ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्विंग हियर। आपने फर्स्ट में इसकी एक ब्रैकेट को सेलेक्ट कर लेना है, हम फर्स्ट ब्रैकेट को ही सेलेक्ट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। देखिए कि 4x को पहले 5x+6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर +3 को 5x+3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सेम यही वाले स्टेप्स आगे फिर चलेंगे। ओके, लेकिन एक डिफरेंस आ जाएगा कि इसमें लास्ट पे वेरिएबल आएगा, ठीक है। चले, वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 5, 20x square plus 24x plus 15x plus 9. So when we have to add x values,
क्योंकि स्क्वायर वैल्यू कोई और वैल्यू नहीं है, इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा। 24 + 15 = 39, then + 9, 39x + 9, this will be the answer। ठीक है जी, ये था हमारा हॉलीडे होमवर्क की एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पेज नंबर 1 to 6। आई होप यू हैव टू एंजॉयिंग योर समर वेकेशन फुल्ली, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर हॉलीडे होमवर्क पैक योर बैग्स एंड गेट रेडी टू हैव द बेस्ट मोमेंट और बेस्ट टाइम एवर वेयर एवर द डेस्टिनेशन वेयर हैव यू वॉन्ट टू गो। दिस इज योर टाइम टू अनवाइंड। एंजॉय योर समर holidays. Allah Hafiz.